पाली रोहत थाना के काला पीपल पिधानी में जाट समुदाय के लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते गांव में रहने वाले खटीक समाज के परिवार के दो भाई किसी काम पर जाते समय भाकरी वाला गांव पेट्रोल पंप के पास जाट समुदाय के तीन युवकों सहित एक अन्य युवक ने उनको रोक कर लठ और शरीर से मारपीट करते हुए घायल कर दिया। साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया। पीड़ित परिवार की ओर से आरोपियों के खिलाफ रोहट थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खटीक समाज पीड़ित परिवार के सदस्यों ने जिला मुख्यालय पहुंच पुलिस अधीक्षक राहुल कोटकी को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित परिवार के सिंबूराम पुत्र गीसाराम निवासी काला पीपली की ठानी ने बताया कि कल दोपहर को मेरा पुत्र अशोक कुमार व मेरा भतीजा देवराज, यह दोनों लॉकडाउन के चलते स्वर्गीय शारदा देवी का देहांत हो गया था। उनकी अस्थियां विसर्जन के परमिशन के लिए ई मित्र भाकरी वाला गांव जा रहे थे, तभी काला पीपल की ढाणी से मंडली दर्जे जाने वाले रास्ते पर आरोपी सुनील पुत्र जगदीश राजू राम पुत्र बाबूलाल दिनेश पुत्र सुजाराम जाति जाट एवं एक अन्य युवक एक राय होकर पुरानी रंजिश के चलते हाथों में लोहे और पाइप लेकर उन दोनों का पीछा करते हुए बाइक रुकवाते हुए दोनों भाइयों पर कातिलाना हमला कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट की। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो जान से मार देंगे। घायल अवस्था में इन दोनों भाइयों को काली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज जारी है। वहीं रोहट थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद भी इन तीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से खटीक समाज के लोग पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी को ज्ञापन देते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुकेश राजा, पाली बारवाड़। मामला क्या है? मामला प्रभाव गांव रे मैंने प्रभावशाली व्यक्ति ऐसा जो पूछा इन्होंने बच्चों रे कही क्या आपसी वो एक दूसरे दोस और अदावधी रहो हमारा खाना नहीं मानता है तो गांव में रहता है और हमारी हमारी बात नहीं मानता है, तो इस हिसाब से वो धमकाने की नीयत से आगे भी एक दफे मतलब क्या क्या ऐसा हुआ था। और अब जो है इन्होंने ई मित्र पे जा रहे थे, इनके बड़ी माँ कोई काकी गुजरी उसके हिसाब से हरिद्वार मुख्यमंत्री की योजना के हिसाब से तो वो ई मित्र पे दर्ज करवाने के लिए जा रहे थे, पीछे से इन्होंने कोई घात लगाकर हमला किया। क्या कारण क्या रहा? कारण वही पुराने एक दूसरे का अपना दोस्त का प्रभाव के साले खटीक तू हमारे खटीक हो के हमारी बात नहीं मानता है और गांव से परवारा चलता है या हमारे से परवारा चलता है हम मुझसे परवारा चलता है। तो अब आप क्या चाहते हो?